तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं मोटर बाइक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आया था जब मैं होंडा CBR का पार्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहा था कि ब्लॉक पिस्टन। तो पिछले साल मैंने अपना होंडा CBR का ब्लॉक पिस्टन मैंने चेंज किया था, तो ये है उसका जो पुराना वाला ब्लॉक पिस्टन। तो आज मैं इसका दिखाऊंगा कि इसमें क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, जाकि इस वजह से मैंने इसको रिप्लेस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होंडा CBR का जो पिस्टन है, ये क्या होता है, ये लिक्विड कूल्ड होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे इसका लिक्विड ठंडा करने के लिए ये बनाया गया हुआ है। ये इसका टाइमिंग चेन पोजिशन है, और ये देखिए कितना बड़ा इसका पिस्टन है, ब्लॉक पिस्टन है। इतना तो बड़ा कोई गाड़ी का नहीं होगा। और ये इसका पिस्टन है, ये देखिए 4 वाल्व का है, तो इसलिए इसका ये दोनों इंटेक वाला है और ये एग्जॉस्ट वाला है।